हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल केम छो कस्से काई के हाल है केना छी अहाँ सब कैसन वाणी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केमो नाचो मनक्का खम्मा गनी उगोम केम ती अच्छन ती। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे और आपका समय बहुत मजे में बीत रहा होगा। मित्रों, मैंने सोचा कि आज से आपको कुछ थोड़ा मोड़ा ब्लॉग भी दिया जाए, क्या कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, नहीं जा रहा हूँ, थोड़ा सा छोटा छोटा ब्लॉग भी अगर आप देखना पसंद करोगे, आप कहोगे कि हाँ मुझे चाहिए, हम लोग देख सकते हैं। अगर आप लोग सपोर्ट करोगे तो मैं छोटा छोटा ब्लॉग भी दूंगा। अभी सुबह सुबह उठा हूँ स्नान करके, फ्रेश होकर के, और अभी सूर्यदेव को जल दिया हूँ। उसके बाद ये दुर्गा सप्तशती है, इसमें मेरा डेली का रूटीन है कि सिद्ध कुंजी का स्तोत्र जरूर एक बार उसका पाठ करता हूँ। आप में से भी जो भक्त लोग होंगे, माता रानी को मानते होंगे, तो वो लोग सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का दैनिक रूप से रोज कम से कम एक बार पाठ करें। सिर्फ सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के पाठ मात्र से सिर्फ 3-4 मिनट का समय लगेगा, और उस पाठ मात्र से आपको संपूर्ण दुर्गा सप्तशती के पाठ का फल मिल जाता है। तो मैंने वो कर लिया है और अभी मैं जा रहा हूँ डॉक्टर के यहाँ। थोड़ा हेल्थ वाइज इशू है, अभी भी स्वास्थ्य सही नहीं हुआ है। सुबह सुबह का अपॉइंटमेंट है 8:30 से 9:30 के बीच का, तो जा रहा हूँ वहाँ पर। मैं उनसे मिलता हूँ, दिखाता हूँ क्या कैसे। अभी लग रहा है दवा कुछ दिन और लेना पड़ेगा, तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन फिर भी आप लोगों के सपोर्ट के कारण, आप लोगों का इतना दुआ है, आशीर्वाद है, भगवान की कृपा है कि फिर भी मैं वीडियो शूट करता हूँ, आप लोगों को देता हूँ, जबकि हेल्थ इशू है फिर भी, क्योंकि बहुत लोगों का तो जन्म कुंडली का फीस हमारे पास में जमा है वीडियो शूट करने के लिए, बहुत का कॉल पर मैं बताने का, और राशिफल वगैरह भी आपको दे ही रहा हूँ, नहीं ज़्यादा तो कम से कम एक वीडियो देने की कोशिश कर ही रहा हूँ। चलिए देखिए मैं किस लोकेशन पर मैं रहता हूँ, क्या कैसे है। ये लोकेशन है, मैं यहीं पर मैं रहता हूँ, और ये बिल्डिंग है, यहीं पर मैं हूँ। चलिए आगे देखते हैं डॉक्टर के यहाँ क्या कैसे होता है, फिर आगे का ब्लॉग आगे कंटिन्यू करेंगे। तो अब रेडी होकर के चल चुका हूँ डॉक्टर के यहाँ। ये अपना हेलमेट ले लिया है, हेलमेट बहुत ज़रूरी है गाड़ी में। अगर आप हेलमेट नहीं रखोगे तो फिर कभी भी कुछ भी हो सकता है, पुलिस से बचने के लिए नहीं, अपनी सुरक्षा के लिए। और इसे भी अभी ठंड है तो ठंड में हेलमेट का लगाना बहुत ज़रूरी है, इसलिए हेलमेट ले लिया है। और साथ में एक गमछा तौलिया भी रख लिया हूँ, जो सीट वगैरह पहुँचना पड़ेगा। अभी रात में पूरा ओस वगैरह आया होगा, भिंगा हुआ होगा। ये है मेरा एक जूनियर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, नाम है लेखराज। चलिए देखते हैं आगे क्या कैसे होता है। और ये लोकेशन है, लोकेशन बहुत शानदार है, बहुत बढ़िया लोकेशन है, बहुत बढ़िया है, फर्स्ट क्लास, कहीं से कोई दिक्कत नहीं, बड़ा अच्छा फील होता है। इसलिए मैं इस जगह को ज़्यादा छोड़ना नहीं चाहता हूँ। इसी जगह पर मैं रहने के लिए बहुत सारे जगह हैं जयपुर में, वैसे मैं जयपुर में रहता हूँ, बहुत सारे जगह हैं, लेकिन ये लोकेशन मेरा सबसे फेवरेट लोकेशन है, इसीलिए रहता हूँ। और ये हमारे गार्ड साहब फतेह सिंह, फतेह सिंह जी हाय बोलिए। फतेह सिंह जी कह रहे हैं कि नाश्ता तो कर जाते, नाश्ता अभी नहीं करूँगा, डॉक्टर के यहाँ जा रहा हूँ। बाय बाय, चाय तो पीता ही नहीं हूँ। चलिए ठीक है, ये है अपना गाड़ी लगा हुआ है ग्लैमर। चलिए चलता हूँ, देखता हूँ क्या कैसे होता है, डॉक्टर साहब का क्या कहना होता है। वैसे अंदर में तो शूट करना अलाउ नहीं होगा, लेकिन फिर भी चलिए देखते हैं क्या कैसे होता है। यही कॉलेज है, इस कॉलेज में मैं पढ़ाता हूँ बीटेक वालों को। ये पूरा का पूरा जो एरिया है वो स्टूडेंट का ही है, आप हर तरफ देख रहे हो, कॉलेज है, बच्चे लोग जा रहे हैं हर तरफ, पूरा पूरा स्टूडेंट एरिया है। और यहाँ पर मैं लंबा लाइन आपको दिखेगा दूर तक, और पीछे भी देखोगे तो एक लंबा लाइन दिखेगा। ये सब स्टूडेंट एरिया है, वो इसमें रहता है। और कॉलेज का नाम नहीं बताऊँगा, मैं कॉलेज में बीटेक वालों को, कंप्यूटर साइंस वालों को सब कुछ दिखेगा। आ चुका हूँ, बहुत बहुत दूर तक आ चुका हूँ, रोड पर मैं हूँ, देख ही रहे हो गाड़ी सब जा रही है। जयपुर सेंटर के पास आ चुका हूँ, जयपुर सेंटर दिखाई दे रहा होगा। और यहाँ से अभी 3-4 किलोमीटर बचा हुआ है डॉक्टर के यहाँ, जिसके यहाँ जाना है। चलिए चलते हैं, देखते हैं क्या कैसे होता है। राधे राधे। डॉक्टर से दिखा करके आ चुका हूँ, अब अपने घर पर मैं हूँ, और फिर मिलेंगे हम लोग दूसरे नए ब्लॉग में। अगर आप लोग ब्लॉग को पसंद करोगे तो मैं ये सब दवा वगैरह डॉक्टर ने दिया है, ये दवा दिया है, उधर और भी दवा सब रखा हुआ है, बहुत सारा दवा दिया है। कहा है कि पानी बहुत पीजिए, बहुत मात्रा में पानी आप पिया करो, तब जा करके आपको बहुत फ़ायदा रहेगा।
क्योंकि डेंगू में पानी की ही विशेष तौर पर में शिकायत रहती है, तो पानी आप बहुत मात्रा में पिया करो, आपके लिए अच्छा रहेगा। बाकी फिर से अगर आप लोगों ने इस ब्लॉग को प्यार दिया तो अगले ब्लॉग में फिर से कोई छोटा मोटा 5-10 मिनट का तैयार करके दूंगा क्या कैसे हो रहा है। चलिए, अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आपको नया ब्लॉग ऐसे ही चाहिए कि नहीं। वैसे मैं ज़्यादा बाहर जाता नहीं हूँ क्योंकि आप लोगों का इतना ज़्यादा काम का लोड रहता है जिसके कारण से मौका ही नहीं मिल पाता ज़्यादा बाहर जाने का। लेकिन फिर भी अगर आपको कहोगे तो जब भी थोड़ा मोड़ा जाऊँगा कभी तो वो आपको मैं शूट करके दूंगा। चलिए, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम, बोलिए राधे राधे।